Today my content is about Mohammad Rafi Saab, Mahan Kalakars, Jogi on films, Hindi Geet Sangeets. And this is the very wonderful for Raj Kapoor when he was giving to songs Mukesh, Hindi Geet Sangeet. First of all, subscribe, how talent brought in practical Hindi Geet Sangeet. Dosto, aap sab ka swagat hai aur hum ek aise geet ki baat karte hain jisme Mahan Kalakars, Mohammad Rafi Saab, kyunki wo Punjab mein rahe aur Punjabiyon se sirfat thi aur Punjabiyon ke saath ek aisa geet jo unhone Jogi aur unki jo मन की लगन की और मौन की लगन की भावना और एक ऐसी रचना जो उस जमाने में दोस्तों शंकर जी कृष्ण को भी हैरान कर गई और एक ऐसी आत्मा जो उन्होंने जगाई जो दिलों को छूकर बिल्कुल चमकदार कर देती थी। और उस वक्त जो हसरत साहब ने जो लिखा था प्रेम का जो भरा गीत जिसमें भावना थी, जो ऐसा गीत जिसमें जोगी पर लिखा था। और दोस्तों राज कपूर जो अपने ज़माने में मुकेश के अलावा गीत नहीं गवाते थे, लेकिन इस गीत में जो मोहम्मद रफी साहब ने 21-32 बार जो उन्होंने हाई पिच पर ये सॉन्ग्स गाया। और दोस्तों इस गीत को आप रिसर्च करके भी देख सकते हैं, हम उसकी पूरी लगन के साथ उस गीत को जो है आपको सामने आज एक नई चर्चा करते हैं। दोस्तों ये गीत जो उस वक्त जो जाम मस्ती पे जो गीत था और इसमें कई ऐसे अंतरे हैं जिसको मोहम्मद रफी साहब ने बड़े उतार चढ़ाव के साथ और बड़ी रंगारंगी आवाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़, और ये आवाज़ जो उस ज़माने में दोस्तों जो बड़े बड़े कलाकार थे, जो सिंगर थे, जिसमें मुकेश थे, मनाडे थे, मंदर कपूर थे, इनसे जब कहा गया कि ये गीत आप गाएं, तो उन्होंने दोस्तों ये गीत नहीं गाया। और जिसको जोगी के जो अंतरे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो उस ज़माने में दोस्तों ये मनाडे के पास जब गीत पहुंचा, तो मनाडे ने कहा कि उसने बिल्कुल इनकार कर दिया और उसने ये कहा कि ये बिल्कुल एक फरिश्ता सिफत इंसान मोहम्मद रफ़ी साहब गा सकते हैं, जिसको जो है मनाडे ने उस ज़माने में गाया। और मुकेश के पास गया तो मुकेश ने भी कहा कि ये गीत जो हाई अंतरे वाला है और ये मैं नहीं गा सकता। दोस्तों ये महान कलाकार थे जिन्होंने जो है गीत की संगीत को, भावना को समझकर अपने प्रेमियों की, अपने चाहने वालों की जो है वो कदर की। और उस ज़माने में वो गीत जो नहीं गा सकते थे तो वो उनके अंदर एक खुलूस था, एक लगन थी, एक मोहब्बत थी, लेकिन उनके अंदर जलन नहीं थी बल्कि जो है इनके अंदर एक सच्चाई थी, और ये सच्चाई जो उनकी मन की भावना और मन की लगन के साथ रही। लेकिन दोस्तों उसमें कई ऐसे गीत हैं जो जोगी इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म का जो हमने आपको बताया है कि उस ज़माने की फिल्म है जो राज कपूर ने फिर ये गीत जब सुना पहली दफ़ा। और ये दोस्तों इस फिल्म का नाम मेरा नाम जोगर है, मेरा नाम जोगर फिल्म, ये 9 पुरस्कार जो इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब को मिला। और ये उस ज़माने में बहुत मेरा नाम जोगर के अंदर ये गीत है जो जोगी पे है, जो पंजाबियों पर आधारित, जो मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी क्योंकि वो पंजाब से थे और उनसे पंजाबियों से मोहब्बत थी। और जिसमें कई ऐसी भावना गीत के अंदर जो रोमांटिकल सीन्स और मोहब्बत जो उनकी रही, तेरे प्यारी बार। दोस्तों ऊंच नीच जो इस फिल्म के अंदर गीत के अंदर जो अपने गले की जो उन्होंने मिठास और गले के अंदर से जो आवाज़ निकाली है, ये इस फिल्म के अंदर जो एक लड़की जो है जोगी से, जोगी की जो दर्द की आवाज़ है और लड़की जो है उसकी शादी हो रही हो और ब्याह पे उसकी जो गीत की जो अंतरे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े दर्द से गाए। जो जो मोहम्मद रफ़ी
साहब ने कितनी दर्द और इतनी हाई पिच पे सॉन्ग्स ये गाया, इसमें जोगी की दर्द की आवाज़ जो उस लड़की को बहुत तड़पाती है और जब वो सुनती है, और हर अंतरे में मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत जब गाया तो इसमें सिंगर भी बड़े उदास हो गए थे। कपूर मुकेश ने जब ये गीत सुना और बार बार वो सुनते थे, और ये गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतनी दर्द के साथ गाया, और ये पहली दफ़ा जब राज कपूर मुकेश से उन्होंने कहा कि ये गीत आप गा सकते, तो मुकेश ने साफ इनकार कर दिया था, ये गीत हमारे बस की बात नहीं है। और कपूर ने भी और फिर मनाडे ने तो कह दिया था कि ये इस गीत के साथ अनाई कर सकते हैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब कर सकते हैं। और ये गीत जो मेरा नाम जोगर्स में जो गीत था, शंकर जय किशन ने ये गीत इस फिल्म के अंदर दिया था। और दोस्तों जो तरन्नुम जो दर्द मोहम्मद रफ़ी साहब ने उतार चढ़ाव में लाया, और दोस्तों ये गीत जो 9 पुरस्कार तो ले गया, लेकिन इसमें सच्चाई खुलूस जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ज़्यादा दर्द से गाया, और ये पहला गीत उनका था। और दोस्तों फिर जब राज कपूर ने इसको स्टूडियो में सुना और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को, तो राज कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से जब कहा था कि ये गीत आप गाएंगे तो मोहम्मद कितने टाइम में हमें चाहिए, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि मैं अभी अभी आपको गाता हूँ। तो इस गीत को जो है थोड़े से टाइम के अंदर, चंद मिनटों के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत गा दिया था। और ये गीत जब गाने के बाद राज कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को पैसे दिए, तो मोहम्मद रफ़ी साहब इतने महान कलाकार दिल के अच्छे थे कि उसने पैसे नहीं लिए, और उसने ये सिर्फ चाय के पैसे इतने लिए। और तो ये गीत दोस्तों आप रिसर्च करना चाहते हैं तो मेरा नाम जोगर फिल्म के अंदर से है, और एक पंजाबी लड़की पे आधारित एक गीत है जो उसमें बहुत सुंदर है और सुंदरतन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की घटना एक ये थी, मोहम्मद रफ़ी साहब महान कलाकार हैं जिसमें जोगी पे तुझसे लड़कर तेरे दोस्तों ये गीत जरूर सुने।